जागे उससे पहले तुम जागो। खरपतवार के झंझट पर पूर्ण विराम लगा दो। वह कई रूप में आता है, वह जिद्दी फिर नहीं जाता है। स्ट्रॉन्ग आर्म से शुरुआत में पूर्ण विराम लगा दो। जागो किसानों जागो, पहले पूर्ण विराम लगा दो। आराम से खेती करना है तो पूर्ण विराम लगा दो। जागो। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम कमल राठौर, पिताजी का नाम छजन लाल जी राठौर, गांव रलाइती, तहसील गठिया, जिला उज्जैन। मोबाइल नंबर है 62 64 48 19 95। मैं मेरी सोयाबीन में फुलकिया, बोकनी, बोकना, गाजर घास, दुद्दी, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर मुझे कोटेवा कंपनी वाले ने स्टॉमार्म दवाई के बारे में बताया। स्टॉमार्म दवाई डलने के बाद मेरे खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार उगे ही नहीं। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम लाखन सिंह गोयल, गांव रलाइती का, तहसील गठिया, जिला उज्जैन। मेरा मोबाइल नंबर है 8719997539। मुझे 6 वर्ष पहले स्ट्रॉन्ग आर्म के बारे में जानकारी मिली थी कि ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार को उगने ही नहीं देता है। उसके बाद मैंने आधी ज़मीन में स्ट्रॉन्ग आर्म डाला तो मैंने देखा कि मेरे यहाँ आधी ज़मीन में तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार उगे ही नहीं। तब से लेके आज 6 वर्ष हो गए, मैं पूरी ज़मीन में स्ट्रॉन्ग आर्म डालते आ रहा हूँ और इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बाद में जो सकरी पत्ती का होता है, जैसे कि सामा, भट्टा, चिनियारी, इसके लिए मैं गेलेंड का उपयोग करता हूँ। इससे वो खरपतवार मर जाते हैं जो अन्य कोई दवा से नहीं मरता है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर जो खरपतवार से निजात पाना है तो आपको शुरू में स्ट्रॉन्ग आर्म और बाद में गेलेंड का ही प्रयोग करें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है।